हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जतिन सैनी। वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्विक सॉल्यूशन। आज हम सर्वे का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है चेन सर्वे। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको बोलते हैं चेन। तो इसके अंदर हम देखेंगे चेन सर्वे होता क्या है, उसके अंदर हम क्या करते हैं। तो चेन जो आप देख पा रहे हो, ये चेन, ये है मीट्रिक चेन, इसको बोलते हैं। इसकी लेंथ होती है 20 मीटर या 30 मीटर जनरली। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे सभी और इंस्ट्रूमेंट्स को भी जो हम चेन सर्वे में यूज़ करते हैं, और वो भी सभी पॉइंट्स देखेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो देखो, चेन हमारी क्या काम आती है, ये दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मेजर करने के लिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो सपोज़ मेरे पास एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अगर मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेज़र करना है तो मैं चेन का एक हैंडल यहाँ पर लगाऊँगा, ये वाला, और एक दूसरे वाला इस तरफ लगाऊंगा, तो इसका डिस्टेंस मुझे पता चल जाएगा। ये देखो, ये मेरी चेन का एक हैंडल है। इस हैंडल के इस एंड से लेके दूसरे एंड तक का डिस्टेंस होता है 20 मीटर, जैसे ये 20 मीटर की चेन है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये इस हैंडल तक का डिस्टेंस होता है 20 मीटर पूरा, ये भी इसी चेन के अंदर ही आता है। तो चेन मेरी दो तरह की होती है, मीट्रिक चेन और नॉन मीट्रिक चेन, जो मैंने आपको दिखाई। जैसे कि ये है हमारी मीट्रिक चेन। तो सबसे पहले देखते हैं नॉन मेट्रिक चेन। नॉन मेट्रिक चेन में दो चेन्स आती हैं, गंटर चेन और इंजीनियरिंग चेन। गंटर चेन की लेंथ होती है 66 फिट और उसके अंदर 100 लिंक्स होते हैं। ये लिंक्स भी देखेंगे हम कि लिंक्स क्या होते हैं। तो इंजीनियरिंग चेन में क्या होता है, लेंथ इसकी 100 फिट होती है, लिंक होते हैं 100। तो हम आते हैं इसके बाद मेट्रिक चेन के ऊपर। मेट्रिक चेन के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि 20 मीटर या 30 मीटर की जनरली ये चेन होती है और इसके अंदर भी 100 लिंक्स होते हैं। अब मैं आपको लिंक दिखाता हूँ, एक यहाँ से लेके यहाँ तक के इस एक पार्ट को मैं बोल रहा हूँ एक लिंक। इसकी लेंथ होती है 20 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर होता है 4 mm। इसका ये वाला डायमीटर होता है 4 mm और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ होती है 20 सेंटीमीटर। इसको बोलते हैं एक लिंक। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा चेन के अंदर टैली। टैली हमारी 5 मीटर के बाद एक टैली होती है। वो टैली से हमें ये पता लगता है कि यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा चेन के अंदर 5 मीटर हो गया। जैसे ये चेन में देखो ये लगी है, जैसे एक, तो इसका मतलब ये है कि इस एंड से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा 5 मीटर हो गया। ये एक लगी हुई है टैली। ऐसे ही देखो, यहाँ दो लगी हुई हैं, दो बने हुए हैं। ये यहाँ पे तो सिंपल एक था, यहाँ पे दो बने हुए हैं, तो इसका मतलब यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 10 मीटर। 5 मीटर यहाँ तक का, उसके आगे 5 मीटर और 10। ऐसे ही आगे तीन बने हुए हैं, ये देखो, 1, 2, 3, तो यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 15 मीटर। जैसे कि 1, 5, यहाँ 2 हो गए 10, यहाँ 3 हो गए तो 15। ऐसे हम टैली को यूज़ करते हैं, 5-5 मीटर के बाद एक टैली होती है चेन के अंदर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया लिंक के बारे में, इस लिंक की जो लेंथ होती है वो 20 सेंटीमीटर होती है, और 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है और 4 mm इसका डाया होता है। ये जेई के पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि लेंथ ऑफ लिंक कितनी है, तो 4 ऑप्शन थे आपको बताना था। ऐसे ही टैली मैंने आपको बताया, टैली 5 मीटर के बाद होती है। उसके बाद हम देखते हैं एरो। एरो को हम यूज़ करते हैं एक चेन ख़त्म होने के बाद, वहाँ पे मैं एक एरो लगा देता हूँ ज़मीन में। एरो मेरा ये है, ये मेरा एरो है। इस एरो की जो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे, लेंथ ऑफ एरो इज 40 सेंटीमीटर एंड डाया इज 4 mm। इसकी लेंथ होती है जो 40 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, और इसका डाया होता है जो 4 mm का डाया होता है। सपोज ये मेरा पॉइंट ए है और ये मेरा पॉइंट बी है, मुझे दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है। तो यहाँ मैंने चेन लगाई, यहाँ तक मेरा एक चेन होगी, यहाँ तक मतलब डिस्टेंस 20 मीटर हो गया। तो मैं यहाँ पे जब चेन को यहाँ पे मैं लगाऊंगा हैंडल, तो उसके बाद मैं यहाँ पे एक एरो लगा दूंगा, जिससे कि यहाँ पे मार्क हो जाएगा ये पॉइंट। तो इसलिए एरो को मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। नेक्स्ट है मेरा रेंजिंग रोड। रेंजिंग रोड मेरा होता है दो पॉइंट्स को, अगर मेरे दो पॉइंट्स बहुत दूर दूर हैं तो मुझे उनकी चेनिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो मैं बीच में रेंजिंग रोड लगा के उनकी चेनिंग आसानी से कर सकता हूँ। जैसे मेरा एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट बहुत दूर को ये है, तो अगर मैं चेनिंग करूँ ऐसे ही इसकी, तो मेरी चेन लाइन थोड़ी इधर उधर भी हो गई, तो मेरा डिस्टेंस जो है वो कम ज़्यादा हो सकता है।
तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ तक बीच में एक रेंजिंग रोड यहाँ पे लगा दी, एक यहाँ पे लगा दी, एक यहाँ पे लगा दी, ऐसे रोड्स लगा के इसको एक स्ट्रेट लाइन बना ली, फिर स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग मैं चेनिंग कर लेता हूँ। ये है मेरी रेंजिंग रोड, ये आप देख रहे होगे, ये है मेरी रेंजिंग रोड। तो रेंजिंग रोड के बारे में देखते हैं। यूज टू स्ट्रेट द पॉइंट्स, लेंथ ऑफ रेंजिंग रोड इज 2 to 3 meters, 2 to 3 meters इसकी लेंथ होती है और इसका डाया होता है 3 centimeters, 3 centimeters इसका डाया होता है। नेक्स्ट है मेरी ऑफसेट रोड। ऑफसेट रोड को मैं यूज़ करता हूँ ऑफसेट लेने के लिए। जब चेनिंग करते हुए बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ जाती है तो मैं ऑफसेट रोड लगा के उस डिस्टेंस को मेजर कर लेता हूँ। सपोज ये मेरे दो पॉइंट है, एक मेरा पॉइंट ये, एक पॉइंट ये है, यहाँ पे बीच में कोई हिल आ गया, कोई भी ऑब्स्टेकल आ गई, तो मैं यहाँ पे एक रोड लगाऊंगा रेंज ऑफसेट रोड और यहाँ पे एक ऑफसेट रोड लगाऊंगा। तो इसमें ऊपर हुक बनी होती है, इन हुक में मैं चेन को लगा के ऊपर से डिस्टेंस मेजर कर सकता हूँ। ये होती है मेरी ऑफसेट रोड। उसके बाद मैं पैग्स में यूज़ करता हूँ इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को मार्क करने के लिए। जहाँ पे मेरा इंस्ट्रूमेंट है उसके नीचे मैं पैग्स को इंसर्ट कर देता हूँ। ये लकड़ी के बने होते हैं, जनरली इनकी शेप स्क्वायर होती है, लेकिन ये मैं आपको इसका थोड़ा दिखा देता हूँ। इसको मैं ऐसे ज़मीन में लगा देता हूँ जहाँ पे मेरा इंस्ट्रूमेंट है उसके नीचे, उस पॉइंट को मार्क करने के लिए, इंस्ट्रूमेंट पॉइंट को। तो इसकी लेंथ वैरी करती है 15 centimeters से 60 centimeters और इसका क्रॉस सेक्शन वैरी करता है 3 centimeters से 5 centimeters स्क्वायर। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें। Thanks for watching.